हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर गॉड। मैं हूं सुमित। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज गाइस हम लोग बनाने वाले एक बहुत ही यम्मी सा रायता, मतलब तो एक नहीं है, दो रायता मैं बनाने वाला हूं। थोड़ा सा रायता फैला भी देते हैं, मजाक कर रहा हूं। आज हम लोग गाइस बनाने वाले एक बहुत ही ज्यादा यम्मी सा रायता, फिर से एक बोल रहा हूं मैं, दो बनाने वाले रायता। जो भी दो है फटाफट उसके चल के रेसिपी देखते हैं। हॉस्टल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा अब रायता बनाना। अगर घर पे सब्जी नहीं है मतलब हॉस्टल में, इसे बना के खा सकते हैं, पेट को ठंडा भी रखेगा। चलिए फटाफट रेसिपी देखते। सबसे पहले कुकुम्बर रायता बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी दही, हमें चाहिए हाफ टी स्पून सॉल्ट, क्वार्टर टी स्पून भुना हुआ जीरा, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर, एक मीडियम साइज का खीरा है ये, इसे हमने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, एक हमें चाहिए ग्रीन चिली फाइन चॉप, लगभग हाफ टी स्पून हमें चाहिए रॉ मैंगो यानी कि कच्चा आम फाइन चॉप। सबसे पहले अपने दही को डालते हैं एक बाउल में, इसे हम फेंट लेते हैं बीटर की हेल्प से या चम्मच से। अब इसमें हम अपना खीरे को ऐड करते हैं, ग्रीन चिलीज, रॉ मैंगो, ब्लैक पेपर, भुना हुआ जीरा पाउडर, सॉल्ट, मिक्स इट वेल एंड योर रायता इज रेडी। ऐसे भी खा लो जैसे मर्जी खा लो। अब गाइस हम बनाने वाले पोटैटो वाला रायता। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी दही, हम चाहिए दो मीडियम साइज का भैया बॉयल पोटैटो, हम चाहिए हाफ टी स्पून सॉल्ट, क्वार्टर टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर, एक ग्रीन चिल्ली अच्छे से फाइन चॉप, थोड़ा सा रॉ मैंगो फाइन चॉप यानी कि कच्चा आम, यही है भैया कच्चा आम। अब अपने दही को डालते हैं एक बाउल में, फेंट लेते हैं चम्मच से या बीटर से। फेंट लिया गया है, अब इसमें डालते हैं अपना बॉयल पोटैटो, सॉल्ट, भुना हुआ जीरा, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिल्ली और रॉ मैंगो, मिक्स इट वेल एंड योर रायता इज रेडी। दैट्स इट। आई होप आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आप अपने घर पे बना सकते हो, हॉस्टल वालों के लिए तो मौज हो जाएगी। अगर घर पे सब्जी नहीं है तो इसे भैया बना सकते हो, ठीक है, रोटी के भी साथ में खा सकते हो, पेट को ठंडा रहेगा। कुकुम्बर के अपने बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और पोटैटो तो आप जानते हो वेट लॉस में भी काम करता है, वेट गेन में भी काम करता है, ठीक है। और गाइस आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है, खुल जा बेटे, खुल गया बेटा, खुल गया। प्रिंसेस शेफिया कमल, थैंक यू, आपने अपना इतना ज्यादा प्यार आपने मेरे को दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया मतलब मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने 60-70 आज मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजे, पता है उन स्क्रीनशॉट्स में क्या था, सॉरी टू से प्रिंसेस, अभी तक मैंने देखा नहीं आपका वो, अभी तक मैंने ओपन ऐसे नहीं मैंने किया है क्योंकि अभी 100 से ऊपर मैसेजेस अभी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली बात यह है कि इन्होंने शेयरिंग की थी अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल की, मेरी वीडियो की, ठीक है, और 60 से 70 इन्होंने स्क्रीनशॉट्स मेरे को भेजे हैं। ऐसे तीन उंगली आ जाती है ना स्क्रीनशॉट के बराबर, वही इसीलिए आ गई थी। मैं बहुत ज्यादा आज गाइस खुश हुआ, बहुत ज्यादा मुझे खुशी मिली कि इन्होंने ऐसा किया। थैंक यू प्रिंसेस शेफिया कमल। चलिए अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दे मिस्टर बगा चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं किया, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।